और अब बात डिंपल यादव की, जो कि मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने के लिए मैदान में उतरी हैं, लेकिन प्रशासन के रवैये पर लाल नजर आ रही है, क्योंकि जब वो प्रचार करने के लिए जसवंत नगर विधानसभा में पहुंची तो ये कहती नजर आई कि प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है और ऐसे में सबको जागते रहने की जरूरत है। दरअसल सपा लगातार प्रशासन के काम के रवैये पर सवाल उठा रही है, तो भाजपा इसे हार का डर बता रही है। डिंपल ने दिया जागते रहो का नारा, चुनाव से पहले चढ़ा लाल किले का पारा। आप लोगों से मैं इतना ही कहूंगी कि आप बस अपने घर पे मत सोइए का 4 तारीख को, और 5 तारीख को कोई आपको छू नहीं सकता है। नेताजी के नाम पर चुनाव, सपा में प्रशासन के डर का तनाव। आप जाइएगा वोट डाल के आइएगा और 6 तारीख को तो प्रशासन गायब हो ही जाएगा यहाँ से, जितने भी आए हैं। मुलायम की विरासत बचाने की चुनौती, मैनपुरी में किसकी विजय होगी? यह मेरा चुनाव नहीं है, यह आप सबका चुनाव है और यह हमारे पूजनीय आदरणीय नेताजी का चुनाव है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, मैनपुरी में सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सामने गढ़ बचाने से लेकर नेताजी की विरासत बचाने की चुनौती है, वहीं एक टेंशन प्रशासन की भी है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। वहीं डिंपल यादव ने मैनपुरी की जनता से रात में जागते रहने की अपील कर उपचुनाव की लड़ाई को नाक की लड़ाई बना दिया है। मैं साथियों से भी कहना चाहूंगी और समाजवादी नेताओं से कि 4 तारीख को तो प्रशासन सख्ती कर सकता है, तो आप लोगों से मैं इतना ही कहूंगी कि आप बस अपने घर पे मत सोइएगा 4 तारीख को, और 5 तारीख को कोई आपको छू नहीं सकता है। आप जाइएगा वोट डाल के आइएगा और 6 तारीख को तो प्रशासन गायब हो ही जाएगा यहाँ से, जितने भी आए हैं। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी लगातार प्रशासन पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगा रही है, तो भाजपा इसे हार का डर बता रही है। लेकिन इन सब के बीच डिंपल यादव ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। वो न सिर्फ नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, बल्कि नेताजी के नाम पर भावनात्मक अपील कर वोट भी मांग रही है। जहाँ प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, वहीं मैनपुरी की जो क्षेत्र की जो जनता है, जो यहाँ के लोग हैं, वह नेताजी का यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। यह मेरा चुनाव नहीं है, ये आप सबका चुनाव है और यह हमारे पूजनीय आदरणीय नेताजी का चुनाव है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैनपुरी आने वाले समय में सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा सम्मान और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखने का काम करेगा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को जीतने के लिए सैफई कुनवा पूरी तरह से जी जान से जुटा हुआ है। इसी क्रम में आज जसवंत नगर के बसरेहर ब्लॉक के कई सारे गांवों में डिंपल यादव ने चुनाव प्रचार किया। उनके साथ प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव भी मौजूद रहे। जसवंत नगर एक ऐसी सीट है जो सबसे सुरक्षित और सबसे मजबूत सीट समाजवादी पार्टी के लिए मानी जाती है, और समाजवादी पार्टी को ये उम्मीद है कि यहाँ से वो एक अच्छी बढ़त के साथ वो इस इलेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ एक तरफ डिंपल मोर्चा संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव मैनपुरी के एक एक वोट को जोड़ने में लगे हैं। सोमवार को अखिलेश यादव माता शीतला का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि माता शीतला का आशीर्वाद डिंपल को मैनपुरी में चक्रवर्ती बना पाएगा, क्योंकि जब जब उपचुनाव की लड़ाई हुई है सपा को हार ही मिली है और सपा के पास ये आखिरी किला बचा है। अगर ये भी ढह गया तो अखिलेश यादव की रणनीति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।